जी, इस समय जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से मीडिया में कहा जा रहा है कि मुझे क्लीन चिट मिल गई, उनको लॉकर से कुछ नहीं मिला। कभी अदालत में खड़े होकर किसी चोर ने कहा मैं चोर हूँ, जब जज के सामने खड़े होते हैं, कभी कहा है? कोई चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, करोड़ों में इकार होंगे। खुराना साहब पर आरोप लगे थे, केवल कॉपी में डायरी में नाम था MLK, पूरा नाम भी नहीं था, रिजाइन कर दिया उन्होंने, ये नैतिकता है। और ये नैतिकता के नाम पर आए थे, तो इसीलिए खुद ही सेल्फ ओरिएंटेड अपना ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। मेरे विधायक ईमानदार है, तुम्हारे विधायक ईमानदार है तो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला विधायक कौन था? तुम्हारे विधायक ईमानदार है तो फर्जी डिग्री वाला कौन था? तुम्हारे विधायक ईमानदार है तो रेप के मामले में कौन गिरफ्तार हुआ था महिला के राशन कार्ड बनाने को लेकर? तुम्हारे विधायक ईमानदार हैं तो टैंकर माफियाओं से पैसा उघाई के चक्कर में किसने आत्महत्या की? तुम्हारे विधायक क्यों जेल गया? तो ये अनेकों प्रश्न है। अटेम्प्ट टू रेप, उसके ऊपर बुजुर्ग की मारपीट में एक विधायक जेल गया। तो इसीलिए खुद अपने आप को करोड़ों रुपया जो विधानसभा में बर्बाद कर रहे हैं, ये अपने आप को क्लीन चिट देने में कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं कि आने वाले मेरे को 2-3 महीने के लिए जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना। दीवार पर रेंगने वाली हर छपकली मगरमच्छ बनने का सपना देखती है, वो केजरीवाल भी देख रहा है। बड़े आदमी के साथ नाम जोड़कर उसको मालूम है केजरीवाल को उसकी हैसियत क्या है। पंजाब को छोड़कर उत्तराचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, पूरे देश में उनकी औकात बता दी है। तो इसीलिए वो अपना कद बड़ा करने के लिए बार बार पीएम साहब का नाम जोड़ते हैं। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर अब आरोप लग रहा है और उनका इस्तीफा मांग रही है आम आदमी पार्टी, लीकर पॉलिसी से ध्यान भटकाने के लिए। हमारे साथ इस समय दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के MLA जितेंद्र महाजन मौजूद हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली विधानसभा में इतना हंगामा चल रहा है, आप खुद उसको अटेंड करके आए हैं, उसको क्या आप बताना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से नहीं, पिछले 3 दिन से विधानसभा के अंदर नियम 54 और नियम 55 में हम दिल्ली की आबकारी नीति और स्कूलों के कमरे बनाने पर जो CVC की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मगर बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहा है। बार बार हमारा आग्रह करने पर, नोटिस देने पर भी अलोकतांत्रिक तरीके से हमें सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। और पूरी दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि एक नई आबकारी नीति जिसके अंदर शराब की खपत तो बढ़ गई है मगर रिवेन्यू घट गया है, और ऐसे कमरे जिसमें ऐसी शिक्षा नीति जिसके अंदर शौचालय और कमरा बनाने में 33-33 लाख रुपए खर्च हो रहा है, उसके बारे में दिल्ली की जनता जानना चाहती है और दिल्ली विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मगर लोकतंत्र का गला घोटकर 3 दिन हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करने दी गई और 3 दिन हमें सदन में मार्शलों के द्वारा निकाल दिया गया। और उसका विरोध करने के लिए कल हम सभी लोग पूरी रात सदन में विधानसभा में बैठे थे, मगर ये गुंगी बहरी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है और मुद्दों को इधर उधर भटका रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं आप सदन में कल पूरी रात प्रदर्शन पर बैठे थे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कल पूरी रात प्रदर्शन पर बैठी थी और वो प्रदर्शन LG के अगेंस्ट था कि उन्होंने 1400 करोड़ का घोटाला किया है, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और उन्हें तब तक पद पे नहीं रहने दें। आम आदमी पार्टी की हमेशा ये विचारधारा रही है, हमेशा से तरीका रहा है कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए। आप ये देखिए दिल्ली से संबंधित क्या मामला था, दिल्ली से संबंधित मामला नई आबकारी नीति लागू हुई जिसको ये देश की सबसे अच्छी नीति बना रहे थे, सदन में इन्होंने नीति को पास कराया और सदन को बिना बताए उसको वापस ले लिया। और आप ये देखिए कि रिवेन्यू बढ़ाने की बात थी, दिल्ली के अंदर 1.5 गुना शराब की खपत बढ़ गई मगर रिवेन्यू जो आता था वो कम हो गया। दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर और शौचालय और कमरे जिसका ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने की बात करते हैं 33-33 लाख रुपए का बनाया जा रहा है, 800 करोड़ रुपए का टेंडर था, 1300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। आप देखिए कि इन मुद्दों पर चर्चा करने से आम आदमी पार्टी की सरकार बच रही है और खामाका का शोर मचाकर निरर्थक रूप से दिल्ली के LG साहब के खिलाफ जो है एक प्रकार से माहौल, गलत माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। अन्ना हजारे को अगर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आप वो भी इस मामले में कूद पड़े हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, 2 पेज का लेटर उन्होंने जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमला बोला गया इस शराब नीति को। आप ये देखिए शुचिता की बात करने वाले अन्ना हजारे जी जिन्होंने अपने गाँव में आज तक कोई शराब का ठेका नहीं खुलने दिया, स्वराज पुस्तक के जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जिन्होंने लिखा और उन्होंने भी कहा था कि शराब के ठेके जो हैं वो पॉलिटिशियन और बड़े लोग मिलकर खेलते हैं और शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, ऐसी अनेकों अनेक बातें
जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा था, ये अपनी बातों से मुकर गए हैं और आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि अन्ना हजारे को आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है। हमारे साथ इस समय अजय महावर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं। पिछले 3 दिन से विधानसभा के अंदर जो हंगामा चल रहा है, आप खुद उसमें मौजूद थे, उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताइए क्या हंगामा दरअसल अंदर चल रहा है। देखिए, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या अल्पकालिक चर्चा हो, शराब के मुद्दे पर शिक्षा के क्लासरूम घोटाले को लेकर हमने अपना अल्पकालिक चर्चा ध्यानाकर्षण लगाया था। और भ्रष्टाचारी मंत्री जो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं, जिनके घर से करोड़ों रुपए कैश मिले, कई किलो सोने के सिक्के मिले, 200 बीघा जमीन के कागज मिले, और जो 3 महीने से जेल में है, जिसके लिए कोर्ट ने यह कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि को व्यक्ति को बनाकर रखना, हटाना हमारा काम नहीं है, केजरीवाल जी का काम है, और जो ED से ये कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है कोरोना काल में, ऐसे मंत्री को, भ्रष्ट मंत्री को बनाकर रखना, बीमार मंत्री को बनाकर रखना, ऐसी क्या मजबूरी है केजरीवाल जी की, ऐसी क्या राजदारी है उनके साथ, इन विषयों को हम उठाना चाहते थे, उन्होंने हमें उठाने नहीं दिया। और जब उठाने नहीं दिया तो हम जब अपना प्रयास करते थे तो हमें उठा के मार्शल आउट कर दिया जाता था, हमें बाहर फेंक दिया जाता था। यहाँ पर अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि CBI की जांच में आज कुछ मिला नहीं, लॉकर में कुछ मिला नहीं, तो अरविंद केजरीवाल की जो देशभक्ति है और ईमानदारी है वो फिर से साबित हो गई है देश के सामने। देखिए, एक बात बताइए, अभी तो CBI ने चार्जशीट FIR दर्ज कर दी है, FIR दर्ज हवा में नहीं हुई है, मनीष गिरफ्तार भी होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सारे साक्ष्य अभी केजरीवाल को थोड़ी दे देगी CBI। अच्छा, आप मनीष के लिए बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन के यहाँ जो इतना मोटा माल मिला है, जैसे पार्थ चटर्जी के यहाँ, ममता बनर्जी के यहाँ मिला था, तो उसके बारे में तो वो नहीं बोल रहे, उसको तो कैबिनेट से नहीं हटाया। मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए कि आखिर कैबिनेट में बनाए रखने की क्या मजबूरी उनकी है, क्या वो भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे रहे। याद करिए खुराना जी को, जब खुराना जी ने हवाला डायरी में सिर्फ ML आ गया था, उसी पर इस्तीफा दे दिया था, वो मॉरल वाली सरकार थी, आज ये संरक्षण दे रही है और भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया, उनको ना किसी पद से हटाया गया ना बर्खास्त किया गया, लेकिन इस समय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि उन पर हम आरोप लगा रहे हैं और जब तक आरोप उन पे लगे हुए हैं ये 1400 करोड़ के, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले तो मनीष का इस्तीफा दिलवाएं, सत्येंद्र को हटाएं। दूसरी बात, आरोप लगाना और भागना तो इनकी पुरानी आदत है। आदरणीय नितिन गडकरी जी से इन्होंने माफी मांगी, अरुण जेटली जी से माफी मांगी, शीला दीक्षित जी से माफी मांगी, दुनिया का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने आरोपों पर बार बार माफी मांगी है, और इसमें भी वही होगा। ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये शराब नीति के घोटाले से, ये शिक्षा के क्लासरूम के घोटाले से अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए LG पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पहले अपना दामन साफ कीजिए, अपने मुख्यमंत्री साहब, अपने मंत्रियों को हटाइए, उसके बाद कोई नई बात कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये लोग मौजूद हैं और लगातार मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जब तक उन पे CBI ED की एक जांच की जाए 1400 करोड़ के घोटाले में, और तब तक वो अपना पद छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। मनीष सिसोदिया जी, जो आप केस लगा उसका जवाब देना आप। आप LG के लिए बोलने लगे और कुछ बोलने लगे, कभी शिक्षा नीति पे बोलने लगते हो, शराब नीति पे बात करो, आपके खिलाफ CBI इंक्वायरी हुई है उसका जवाब दो। आपको कोई अधिकार नहीं है चोर को चोर दूसरे को चोर कहे, चोर खुद चोर है। आप अपना स्पष्टीकरण दें, अपनी जेल में जाएं, और जब आपको पता लगेगा क्या होता है चोरी, आपने घोटाला किया है, शराब में घोटाला किया है, पहले शिक्षा में घोटाला किया, आप घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं, और आप केजरीवाल के संरक्षण में घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। जो ये लिखकर पॉलिसी है, ये गलत उससे हुई थी, जिससे कि हमारे गांव की जो मेन एंट्री है, जो कि गांव के चौक के ऊपर, इनको खोलना नहीं चाहिए था ठेका, जबकि खोल रखा है। हमारी बहन बेटियों को स्कूल जाने में आनाकानी हो रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक किताब आई थी स्वराज, जब वो अन्ना हजारे के साथ थे।
अब उसका खुलासा किया है अन्ना हजारे ने, आज एक पत्र लिखा है और उसमें कहा गया कि स्वराज में आपने बड़ी बड़ी बातें की शराब नीति को लेकर, कि ग्राम सभा के अंदर जो है अगर महिलाएं बोलेंगी तो शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, अगर वहां पर लोग बोल देंगे कि शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, यहां पर गलत चीज़ है, नहीं खुलना चाहिए, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर इतने शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, सरकार बनने से पहले बड़े लंबे लंबे वादे करता था, ये बड़ी लंबी कस्में खाता था और बोलता था कि इस दिल्ली को हम पेरिस वाली दिल्ली बनाएंगे, लेकिन इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पेरिस वाली दिल्ली तो दूर, इन्होंने शराब की दिल्ली बनाकर छोड़ दिया। और शराब की दिल्ली नहीं, शराब के अंदर भी इतना बड़ा घोटाला। मनीष सिसोदिया जी जो कहने को तो शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो शराब मंत्री भी है, और आज पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है। और ठीक कहा अन्ना हजारे जी ने, ये जब उनके साथ बैठते थे तो बड़ी लंबी चौड़ी कस्में खाते थे, धर्म का वादा करते थे कि हम दिल्ली के अंदर आएंगे तो भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे और कोई गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन आज दिल्ली के इतिहास में पहली बार अगर किसी सरकार में इतने ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री है तो केजरीवाल सरकार है। इनका एक मंत्री आप जानते जेल के अंदर है और दूसरा भी जाने की तैयारी कर रहा है। अनेकों मंत्री इनके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। और शर्माने चाहिए केजरीवाल जी, आपका एक मंत्री जेल में होते हुए आप उनका त्यागपत्र नहीं ले रहे, वो जेल के अंदर है, बेल उनको मिल नहीं रही, और दूसरा मंत्री जाने की तैयारी में है। अगर आप शराब नीति इतनी अच्छी थी तो इन्होंने जैसे ही शराब नीति के बारे में जब जांच की बात आई तो इन्होंने रात रात में शराब की नीति को बदल दिया। अगर इनके मन में चोर नहीं था तो किस लिए बदला? तो पूरी देश दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट सरकार है, और सरकार ही नहीं, पूरी इनके मंत्री भी भ्रष्ट रहे हैं।